Now finally I can have food. बहुत भूख लग रही है. Also guys, happy Lohri to each and everyone. अब मतलब आप लाने वाले थे flowers? Obviously. But I don't like flowers. Hey guys, what's up? Welcome back to the channel again. I hope you guys are doing well. So we'll be starting our vlog here with the same energy and the same intensity. निकल गए? हाँ जी निकल गए. नहीं वो नहीं है. ये सर्जरी लेट वेट नहीं हो सकती क्या कुछ? नहीं हो सकती. चलो ओके. सो गाइस आ चुके. बेल्ट कौन पहनेगा? फिर से टेडी बियर बन के आ गए हो. आपने डरा हुआ फेस देखा है केतन का? देख रही हूं. कहां डरा हुआ? कौन डरा हुआ? कोई नहीं डरा हुआ है. आई एम नॉट स्केयर्ड एट ऑल. तो दाल है? नहीं दाल दिख रही है. छोले नहीं होते मटर कुलचे वाले? केतन सो रहा था गाइस. मैं आधे घंटे सो नहीं रहा था. मैं अरे मैं शार ले रहा था. आई वाज टेकिंग शार. देखो आई वाज नॉट स्लीपिंग. अब अपनी मैकबुक उठाता हूँ फिर हम लोग जाते हैं. आई गॉट माय मैकबुक. अभी हम जा रहे हैं हमारा जो वेन्यू है. वेन्यू पैर कटवाने का वेन्यू. हाँ वेन्यू ही है. वेन्यू है. मेरे को इतना हॉस्पिटल जाना पसंद ही नहीं है पता नहीं क्यों. बेबी केतन मैंने ना सारा सामान ऐसे पैक करा है कि चार्जर वार्जर रख लिया मतलब पीनट बटर भी रख लिया मैंने. सीरियसली? हाँ क्योंकि मेरे खाने पीने में तो रोक टोक होगी नहीं. मेरी खाना आएगा और वो टेस्टी आता है मैक्स हॉस्पिटल का भी. मैं गया था ना चेकअप के लिए. वो पेशेंट के लिए नहीं आता होगा टेस्टी केतन. यार नीचे कैंटीन में तो बहुत टेस्टी थी वाली थाली. यू कैन ईट. हां यू कैन ईट दैट. मैं थाली वहीं से ही मंगवाऊंगा. क्या थाली थी मैंने इसको बोला था कि अगर हम लोगों का भी खाना भी होगा ना तो हम लोग को थाली खाने जा सकते हैं हॉस्पिटल की कैंटीन. सुन लो इसकी बात. हॉस्पिटल में खाना लोग बोलते ना लड़की को वो गिफ्ट दो जो कभी एक्सपेक्ट नहीं करती. कोई लड़की एक्सपेक्ट नहीं करेगी कि हॉस्पिटल में लेके जाएगा उसको लंच के लिए. पता है अभी तूने बताया क्या हुआ? बेसिकली ना इंश्योरेंस से अप्रूवल आना था. तो अरे नहीं कॉल नहीं आया. मैसेज आया एकदम से कि अप्रूवल हो गया. सुबह से हम लोगों को लगा कि नहीं होगा क्योंकि कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह उन्हें और चाहिए थे. जैसे ही अप्रूवल हुआ जिस सेकंड मुझे मैसेज आया मैं केतन को कॉल करे जा रही कि जल्दी आ बिकॉज मेरी उनसे बात हो गई है. वो कह रहा है कि आप 3 o'clock तक आ जाओ. बट ये बाथरूम में था नहा रहा था. बाथरूम से और ये भी बता दो क्या देखते हुए नहा रहा था? इंडिया श्रीलंका का मैच देखते एक तो नहा रहा था. साइड में रख दिया मैंने विंडो पे. और फिर जैसे मैंने कॉल पे बोला ना कि अप्रूवल हो गया चलो कहता मंडे चल लेते हैं यार. मैंने कहा सुन आ तू तेरे को आज ही कराना है कल कराना है इसका. वो था ना कि एक और एक्स्ट्रा डेट मिल जाए एक और डेट मिल जाए. ये ऐसे ही गाड़ी में बैठी हूँ मेरे को चॉकलेट देके कहता देखो मैं आपके लिए चॉकलेट लाया हूँ आप मेरे लिए डेट भी नहीं बढ़ा पाए. सोया नहीं हूँ मैं. देख रहे हो कैसे ना ख्याल रखते हैं. जज्बात पलट गए. मैं केतन को बोला तैयार हो लंच मैं लेकर आ रही हूँ तो बस आ जा. फिर भी दो बार चक्कर काटे इस लड़के ने. यार अब मैकबुक लाना भूल गया मैं क्योंकि एडिट भी तो करना है वाला व्लॉग. मैं कहा आज थोड़ा टाइम होगा भी मेरे पास. आज वैसे इसके सारे टेस्ट होंगे. आज सर्जरी नहीं होगी. आज इसके सारे पहले टेस्ट होंगे. फेल ना हो जाओ उनमें मैं. इस वाली डॉक्टर विजिट के बाद मैं ना वो वाला डायलॉग बोल लाना शुरू हो जाऊँ. मेरी टांग एक नकली है मैं हॉकी का बॉल खेलता हूँ. मत बोला कर यार मत बोलिए सर. स्ट्रॉबेरी अकेले थोड़ी सी बोरिंग है तो हम एक पीस डेयरी मिल्क आलमंड चॉकलेट का भी लेंगे. सो दैट्स आवर डेजर्ट. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई कुकिंग चैनल. ओके बाय. मस्त एडिट में लूंगा ना इसको ऐसा. मस्त बिल्कुल ऐसे करके स्प्लिट करके कट. कल होगा सर्जरी केतन. आज वो हथियार थोड़ा शार्प कर रहे होंगे ना. आज तलवार पे धार लग रही है. सेंस बन रहा है इन बातों का. लास्ट टाइम का ओटीपी आपका बहुत कमेंट सेक्शन में चल रहा है. दैट्स ओनली फॉर यू ना बे. Confused about one thing कि ड्रिप लगेगी या नहीं लगेगी. मेरे को आज तक जिंदगी में ड्रिप नहीं लगी है पता है. सोच मेरे को लेटा के ऐसे बेड में लेके जा रहे हैं तो ऐसे ही लेके जाएंगे. विजुअलाइज कर रहा हूँ अभी. क्यों कर रहे हैं? अब क्यों कर रहे हैं? जब मैं करती थी तब बोलता था ओवरथिंक मत करो. अरे नहीं यार मैं सोच रहा हूँ उस चीज के बारे में. मेरा पैर कटेगा भाई मेरे को यही होता है. मैं वेरिकोज वेन वाला ना जितनी बार भी डॉक्टर के पास गया हूँ मैं चेकअप कराने के लिए हर बार जैसे ही मिला हूँ पैंट उतारो. मैं कहा भाई क्या मतलब एक्चुअली वो चेक करने के लिए कि वेन्स कहाँ कहाँ पे. हाँ ऑब्वियसली यार तुझे लगता होगा ना अजीब सा. अजीब सा क्या लगता है? डॉक्टर है वो डॉक्टर देखेगा करेगा उसको एग्जामिन करेगा और वो पैर को देखता है और कुछ थोड़े. वी हैव रीच्ड. मैं तो सोच रहा हूँ थाली खाने चला जाए वहीं से डायरेक्ट. मैं क्या कह रहा हूँ गगन चलते हैं एक एक प्लेट दबाते हैं वैसे थाली. आओ पहले हॉस्पिटल एडमिट करा ले. बट यू आर गोना रिग्रेट अगर आपने नहीं खाया तो. पर फ्लोर इट इज अ गुड कॉरिडोर. यहाँ क्रिकेट खेल सकते हैं. हाँ खेलना है. पेशेंट किसको बोल रहे हो? एक दिन का गेस्ट हूँ यहाँ पे. Isn't she looking like a teddy bear? बैग भी बेयर वाला ले रखा है. खुद भी बेयर हो. It is a 2-night, 3-day package. हम जा रहे हैं केतन का एडमिशन कराने. स्कूल में नहीं देखो लगेगा ही नहीं कि तेरे साथ कुछ हो रहा है. ये सब दुनिया की बोलने वाली बात है. सर्जरी हो रही है पूरी पैर कट रहा है उस वगैरह कुछ नहीं होगा. तो हमारे एडमिशन वगैरह का जो प्रोसेस था वो अभी 10 से 15 मिनट और मे बी हाफ एन आवर लेगा. सो हम लोग यहाँ पे चलते हैं. यहाँ पे केमिस्ट है. यहाँ पे बिल्कुल ऑपोजिट साइड एक बहुत ही प्यारा कैंटीन है. जैसे शिकागो पिज्जा ओवर है. दिल्ली की ठंड में आराम से खा रहे हैं. डिमसम्स भी हैं यहाँ पे. इसकी
कॉन्वर्सेशन सुन लो। क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, कह रहे लग नहीं रहा है पेशेंट को। हम 4:30 आए थे और हम 6:30 रूम में एंटर होंगे। Finally, this is my bed for next two nights. But I feel like Akash का बहुत अच्छा था। With a view भी नहीं है, उसका view भी अच्छा था। Exactly, Akash better था। देख रहे हो? Last month मैं वहाँ थी और केतन यहाँ था, Akash hospital में, और इस महीने अब केतन वहाँ है और मैं यहाँ। इसके बाद ये bed को नहीं देखना अपने को। Never, forever. पीछे में reflection आ रही है। कपड़े तो change हो, ऐसे ही लेट जाऊँ? I'm expecting कि थोड़ी सी hospitality होगी hospital में। चुकी हो, acting करना बंद कर। बोला शाम को आप इतना है कि आप बेड से वॉशरूम जा सकते हो, बेड ही है। इन जनरल बात ये है कि एनेस्थीसिया का असर कितना रहता है, दो टाइप के हैं, एक होता है जनरल और एक होता है जो स्पाइनल कॉर्ड जिसमें पीछे इंजेक्शन देंगे, वो यूजुअली प्रेगनेंसी में स्पाइनल कॉर्ड वाला होता है। एंड वो पता है क्या करते हैं, आते हैं और ऐसे करते हैं रेडी होंगे। यार ये सब चीजें क्या आई है यार, ये देख के मुझे डर लग रहा है, इतना बड़े बड़े इंजेक्शन आए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल डोंट टच इट, मैं टच भी नहीं कर रहा हूँ। आप पेशेंट हो या क्या हो, बेड पे लेट हो, कैनुला ही तो लग रहा है इधर को। यस वही है, क्योंकि बाय के सी यू टुमारो, सर्जरी के पहले, सर्जरी के बाद ही आना। आई विल कम बिफोर सर्जरी, आई विल ट्राई कि मैं सुबह 6 बजे उठूंगा और 8 बजे हॉस्पिटल आऊं। 11:30 आना, कोई दिक्कत नहीं, मैं बुरा नहीं मानता। आई नो बट लेट्स सी। अपनी ड्रिप लग चुकी है, मतलब ड्रिप नहीं लगी है अभी, कैनेडा लगा है। And she is going back. कल मिलते हैं सुबह। So I'm having my dinner. Also, ये थोड़ा थोड़ा पेन करने के लिए लगा है। मैं सोच रहा हूँ अगर कल की सर्जरी में इसको बिठा दूंगा, शक्ल तो सेम है ही, पता भी नहीं चलेगा। तो भी ज़्यादा कुछ है नहीं करने को। इट्स 9:30 PM। मैं एडिट कर लेता हूँ अपना व्लॉग जितना भी आज, बट अभी मैं यूट्यूब मैंने कनेक्ट कर लिया सो दैट आई कैन वॉच समथिंग पूरे टाइम। सो लेट्स गो बैक टू एडिटिंग। अब सुबह 8 बजे के आसपास मेरे को यहाँ से सर्जरी के लिए दूसरे रूम में शिफ्ट करेंगे। एंड मेरे को रात के 12 बजे के बाद खाने के लिए मना कर रहा है अभी, बाकी कल पता चलेगा, कल असली दर्द का पता चलेगा कि क्या है सर्जरी एक्चुअली। अब इस पूरे हॉस्पिटल में ना टोटल 3 वेरिकोज वेन, मेरी जो बीमारी है उसको बोलते हैं वेरिकोज वेन, तो 3 पेशेंट है। एंड जो 2 बंदे मेरे अलावा और है वो मेरी एज से बहुत ऊपर है। अभी ये सेम प्रॉब्लम लोगों को यंग एज में दिखनी शुरू हो जाती है पैर में, बट दे अवॉइड। मेरे को पता था, मेरे को नॉलेज थी कि यहाँ पर ऐसा कुछ हो सकता है। आई गॉट इट चेक्ड एंड अभी सर्जरी का उन लोगों ने रिकमेंड करा कि जितना जल्दी करा लोगों उतना बेटर रहेगा। एंड इसका रीअकरेंस रेट भी उन लोगों ने बोला है कि 2-3% है, दैट मीन्स ये सॉल्व हो जानी चाहिए प्रॉब्लम आफ्टर द सर्जरी, मेरे को लाइफ टाइम कुछ और कराने का जरूरत ना पड़े। अभी थोड़ी देर में सोने की तैयारी करूंगा, सुबह जल्दी उठना है जो कि बहुत अनयूजुअल है मेरे लिए। बाकी 2-3 एक्सपीरियंस ऑलरेडी हो चुके हैं ऐसे जो शेयर करना चाहता हूँ, बट आई कैन नॉट शेयर इट राइट नाउ। नाउ सीरियसली आई हैव नो आइडिया कि गूगल हमारी चीजों को कितना ट्रैक करता है, बट ये देखो मेरे को भी यूट्यूब में क्या रिकमेंडेशन आई, नीडल इनटू ह्यूमन स्किन, आज ही ये सब चीजें हुई हैं एंड ये अभी रिकमेंडेशन फीड में आना शुरू हो गया है। गुड मॉर्निंग, इट्स द नेक्स्ट डे, आज फाइनल सर्जरी होने वाली है। सुबह 3 लोगों ने बोला कि शार लेना है, एक लिक्विड दिया था उसी से नहाना था ताकि एंटी बैक्टीरियल होगा, ताकि यहाँ से डायरेक्ट अब सर्जरी के लिए ले जाएंगे। कुछ भी हो जाए थिएटर में तो जाना ही है, चाहे वो सिनेमा थिएटर हो या तो फिर ऑपरेशन। रात से ये जो इसकी सेंसेशन है ना पेन होने की, ये थोड़ी सी बढ़ गई है सुबह तक, पता नहीं या तो मैंने इसको गलत से लैंड कर दिया है या तो फिर ये होता है। एनीवेज शार वगैरह ले चुका हूँ, उन लोगों ने मेरे को रात को 12 बजे से खाने से मना करा था कुछ भी। नाउ आई एम जस्ट वेटिंग फॉर देम टू कम एंड टेक मी टू द ओटी। सो गाइस इट्स करेंटली 4:45 PM। ऑल्सो मेरा जो सर्जरी वगैरह होनी थी वो हो चुकी है। अभी पैर यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा दर्द कर रहा है, मतलब कुछ कुछ पॉइंट्स है जहाँ पे उन्होंने लेजर करा होगा या कट करा होगा, आई डोंट नो। सो अभी का हाल कुछ ऐसा, आई कैन मूव दिस बट पेन होता है। ऑल्सो ये दोनों बैठे हुए हैं यहाँ पे मेरी केयर करने की जगह, यहाँ पे खुद अपनी केयर कर रहे हैं। क्या प्लानिंग चल रही है थोड़ी देर पहले, क्या खाना था? टैको बेल के फ्राइज खाने हैं। तो उसमें क्या करती है?
अटेंडी को भूख लगी है और अटेंडी बाहर जाएगा पेशेंट को अकेला छोड़ के. अटेंडी बहुत क्यूट है. कल मेरा डिस्चार्ज भी हो जाएगा स्ट्रेंजली. मेरे को लग नहीं रहा है क्योंकि मेरे को पेन हो रहा है पूरी बॉडी में. कल रात को पता है 12:30 बजे मैंने व्लॉग वगैरह सब कुछ रख दिया. 12:30 के आसपास कह रहे यूरिन सैंपल चाहिए मेरे को. कंधे तक भी नहीं आ रहे हो. कल रात के 12 बजे से मैंने नहीं खाई. ये क्लॉक पूरी ऐसे घूम के यहाँ 5 बजे तक आ चुकी है. नाउ फाइनली आई कैन हैव फूड. बहुत भूख लग रही है, प्यास भी लग रही है. आज सुबह से पानी नहीं पिया. ऑल्सो गाइस हैप्पी लोहड़ी टू ईच एंड एवरीवन. मैं यहीं पे आग सेकूंगा आज. कल मैं लकड़ियां ले आना. ओके फ्लावर्स भी नहीं है. चलो अच्छा बहाना मिल गया. अब मतलब आप लाने वाले थे फ्लावर्स? ऑब्वियसली. बट आई डोंट लाइक फ्लावर्स. व्हाट डू यू लाइक? मी? यस. मैं तो आ गई ना. बट आप जाने की बात भी तो कर रहे थे टैको बेल के नाम पे. टैको बेल ने बुलाया तो हम चले आए. Cheers guys. पैर तो पता है मेरे को अभी भी दर्द कर रहे हैं. डॉक्टर पता नहीं किस कॉन्फिडेंस से बोल के गए थे कि तुम्हें दर्द नहीं होगा. तो यार कुछ हुआ है तो दर्द तो होगा ही. जैसे उनकी बोली थी वैसा लग नहीं रहा था. कुछ नहीं होगा, चीटी मर गई. एंड उस टाइम टू आई बेस तो केतन तो सो रहा था. मैं भी आई वाज जस्ट. आप भी डिजीनेस में? डिजीनेस में नहीं थी बट हाँ मैं थोड़ा स्लीपी थी. सो अभी मैं अकेले रहने वाला हूँ मयंक आगे थोड़ी देर में. के और हार्दिक वो दोनों घर जा रहे हैं यहाँ से. बाय के. तो कल वॉशरूम में जब मैं गया उन्होंने एक भैया को भेजा था. मेरे को लगा कि सिर्फ पैर शेव करेंगे वो ताकि पैरों की सर्जरी है. बट ऐसा नहीं हुआ. उन्होंने बोला कि पूरा पजामा उतारो. एंड दिस नॉट द फर्स्ट टाइम जब मेरे साथ कल ही हुआ. आज भी सेम चीज हुआ जब वो मार्किंग वगैरह कर रहे थे कहाँ कहाँ से जो वेन है वो पॉप आउट हो रही है. तो कल लोअर हाफ मेरा पूरा ही पूरा शेव हुआ. अब समझ लो क्या हुआ है. आई नो दिस इज फनी टू टेल ऑन यूट्यूब बट यस दिस इज व्हाट ऑल हैपेंड विद मी. कल और आज सुबह भी थोड़ा सा अजीब लग रहा था बट बाद में उन्होंने बोला भी हमारा काम यही है, हमारे साथ डेली यही होता है. ओटी रूम मैंने पूरा देखा. आसपास मैं नजरें झांक रहा था भाई पूरी फिल्मी टाइप का लग रहा था. अब फिल्म में सेट में थोड़ा और एक्स्ट्रा चीजें ऐड ऑन करते हैं बट मेरे को एक चीज याद है. उन्होंने मेरे यहाँ पे एनेस्थीसिया का वो लगाया था ड्रिप. एंड उसके बाद मेरे को पता नहीं कब मेरी आंखें बंद हुई. एंड जब मैं उठा तब मैं ओटी रूम के बाहर था. एंड मेरा पजामा पूरा खुला हुआ था. एंड मेरे लेफ्ट पैर वो जो पट्टी है पूरी वहां से लेके यहाँ पर आफ तक आ रही थी. अब ऐसे बहुत लोग गए होंगे हॉस्पिटल पहले. एंड जो लोग नहीं गए होपफुली आप लोग जिंदगी भर ना जाओ क्योंकि आई ऑल्सो डोंट वॉन्ट टू गेट एडमिट अगेन. ये तो मेरी ऐसी प्रॉब्लम थी जो मैं शायद नहीं भी होता ना एडमिट या कुछ भी नहीं होता तो भी चलता. बट वो पेन जो है वो धीरे धीरे ग्रेजुअली बढ़ना शुरू हो जाता. बट एनीवेज जो है जैसा है अभी ठीक है. मेरा पैर ना मुड़ नहीं रहा है यार यहाँ से ना हल्की हल्की. सो आई वाज जस्ट वॉचिंग कपिल शर्मा शो एंड मेरे को फाइनली अब जाके खाना मिला. 8:30 बजे इन लोगों ने खिचड़ी दी थी बट मैं उससे भी नहीं माना क्योंकि मेरे को बहुत भूख लग रही थी. एंड मैंने एक और थाली ऑर्डर करी थी कैंटीन से. एंड वो खाना खा के जो मेरे अंदर जान में जान आई है ना अभी 9:30 बज रहे हैं. और हम लोग अभी निकल रहे हैं चेकआउट करें. सारा सामान यहाँ से निकाल के पैक कर लिया है. नाउ वी कैन लीव. सारी चीजें हो चुकी हैं. फॉर्मेलिटीज पेपर वर्क एवरीथिंग इज डन. So I'm back home. So guys, it's the next morning. अब सर्जरी का जो पेन था वो थोड़ा थोड़ा कम होता जा रहा है. Although मेरे को शाल लेने की इंस्ट्रक्शंस अभी भी नहीं थी. आज शाम को मैं शाल लूंगा. रात को जितना पेन हो रहा था आई कैन नॉट इवन एक्सप्रेस क्योंकि ऐसा लग रहा था कि कोई सरिया मार रहा है, कोई पेन चुभाया जा रहा है बार बार. लेट मी शो यू मेरा पैर हो कैसा गया अभी. यहाँ पे नीडल डाल के इस पूरी की पूरी नस को ठीक करा गया अंदर केमिकल डाल के. एंड ये तो पूरे निशान पड़ गए भाई लेजर के. यानी जहाँ जहाँ पे ब्लॉकेज थी, जहाँ जहाँ पे प्रोबेबिलिटी थी ठीक होने की, यहाँ तक भी करा उन्होंने. अब मैं हॉस्पिटल में बैठा था 3 दिन. इतना ज्यादा फर्क तो पड़ा नहीं मेरे को दिल्ली की ठंड से. बट जैसे ही घर आया मैं कल, बाप रे जो रात को ठंड लगी है मेरे को. मैं 2-3 ब्लैंकेट उठा के अपना सो गया. बाकी अभी आराम से आई विल गेट रिकवर इन 2-3 डेज. वंस आई विल गेट रिकवर उसके बाद आई विल बी रेगुलर फ्रॉम देयर ऑन. सो तब तक के लिए ख्याल रखिएगा अपना, खुश रहिए, आसपास के लोगों को भी खुश रखिए. मिलते हैं आप लोगों को अगले व्लॉग में. लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना. बाय, टेक केयर, पीस आउट, बाय. बच्चों में फॉल्ट है.